गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए आज की करंट अफेयर के साथ हम हाजिर हैं। 2 दिन की छुट्टी के बाद आइए पढ़ते हैं, आप अपनी शुरुआत करते हैं। 10 लाख वैकेंसी आने वाली है, नौकरी जल्दी लेनी है। तो पहला क्वेश्चन है, सितरंग तूफान चर्चा में है भाई साहब। तो सबसे पहली बात करें, ये कहाँ पे आया है, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में आया है ये भैया। और पूछे कि कौन कौन से राज्य को प्रभावित करेगा, तो बंगाल की खाड़ी के बगल में जो सटे जितने राज्य हैं, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ये हो गया आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और ये हो गया तमिलनाडु। इन सभी राज्यों को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इसका नामकरण किसने किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एग्जामों में। तो इसका नामकरण किया था आपका थाईलैंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के लिए, थाईलैंड। आइए, लगातार अभी और भी चक्रवात आए थे, जैसे आसानी चक्रवात। असनी चक्रवात का नामकरण किसने किया, तो याद रखिएगा श्रीलंका ने किया है। ऐसे ही एक चक्रवात आया था जावेद चक्रवात, इसकी नामकरण किसने किया था, सऊदी अरब ने किया था, पिया गया सऊदी अरब वाला। शाहीन चक्रवात का नामकरण किसने किया, कतर ने किया है। और पूछे गुलाब चक्रवात, हाँ देखा, गुलाब चक्रवात का नामकरण किसने किया, नापा किरादो वाला पाकिस्तान किया है। यास चक्रवात किसने किया है, तो याद रखिएगा ओमान ने यास चक्रवात का नामकरण किया है। और हाँ, एठी आएगा निवार चक्रवात, निवार चक्रवात का नामकरण किसने किया है, ईरान ने किया है। और कुछ बा, हाँ एठी देखा तौकते, तौकते चक्रवात का नामकरण म्यांमार ने किया है। और आपसे पूछ लिया जाए निसर्ग, हाँ एक चक्रवात और आया था 2022 में, निसर्ग का नामकरण किसने किया है, तो पड़ोसी देश बांग्लादेश। बांग्लादेश कितने राज्यों को टच मारता है, 5 राज्यों के एग्जाम में आ चुका था पेट में ही। गोटी की बात करें, गोटी का नामकरण किसने किया है, भारत ने किया है। तो ये सभी चक्रवात थे जो लेटेस्ट में भारत ने, लेटेस्ट आपके अड़ोसी पड़ोसी देशों को प्रभावित किए हैं। तो ये चक्रवात है। चक्रवात की बातें हैं, जब समुद्रों में क्या जनरेट हो जाता है, लो प्रेशर। लो प्रेशर माने कम प्रेशर जनरेट होगा तब चक्रवात आता है। और कम प्रेशर क्यों जनरेट हो रहे हैं, तो याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग इसमें मेन कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग ही मेन कारण है चक्रवात की जिम्मेदार का। एक पॉइंट और याद रखिएगा, तूफानों का नाम अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं। तो तूफान के नाम अलग अलग देशों में अलग अलग हैं, तो कौन कौन से देशों में तूफान का क्या नाम है, तो एक तरफ हम तूफान पढ़ लेते हैं क्या नाम है उसका, और एक तरफ हम पढ़ लेते हैं देश। तो तूफान का टाइफू नाम क्या है, हम जिसे हम लोग तूफान चक्रवात कहते हैं, वैसे आपके जो ये जापान वाले हैं उसे क्या कहते हैं, टाइफू कहते हैं। टाइफू कहाँ कहा जाता है, जापान में कहा जाता है। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। अगर आपसे पूछे टाइफून कहाँ कहा जाता है, तो ये चाइना में टाइफून कहा जाता है चक्रवात को। अमेरिका और पूछे हरिकेन कहाँ कहा जाता है, हरिकेन या इसी को टारनेडो भी कहा जाता है। हरिकेन या टारनेडो कहाँ कहा जाता है, तो अमेरिका में कहा जाता है। और पूछ ले तो याद रखिएगा हरिकेन कहाँ जाता है, हरिकेन कहाँ कहा जाता है, तो ये दक्षिण अफ्रीका कैरिबियन सी में कहा जाता है, कैरिबियन सी। और पूछ ले ये एक पॉइंट और, विली विलीज कहाँ कहा जाता है, विली विलीज कहाँ कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को चक्रवात का नाम कहा जाता है। ये पॉइंट चक्रवात से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए आज हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया, याद रखिएगा ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ ले क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर पूछ ले इसका, तो न्यूयॉर्क बता दीजिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। पहली बार हम संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाए थे, तो 1948 में मनाए थे ये संयुक्त राष्ट्र पहली बार, फर्स्ट बार, याद रखिएगा। और ये नामकरण किसने, संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया था, तो याद रखिएगा फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन डू रूजवेल्ट ने, फ्रैंकलिन डू रूजवेल्ट ने ये नाम दिया था क्या, संयुक्त राष्ट्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए बन जाता है।
आइए कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कुछ और चर्चा करते हैं जो इन्होंने अभी हाल ही में पुरस्कार दिया है। तो अगर पूछ ले संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार किसने जीता है, तो संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार किसने जीता है तो याद रखिएगा भारत ने जीता है। क्यों जीता है? क्योंकि इन्होंने भारत ने क्या किया है, उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन 60 में देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार किसको मिला है, तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार किसे मिला है, उड़ीसा के मो बस सेवा को, मो बस सेवा को उड़ीसा में ये उस इसे मिला है क्या, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मिला है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और अगर आपसे बात करें यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम चैंपियन ऑफ द अर्थ, देखिए याद आया चैंपियन ऑफ द अर्थ, चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है तो याद रखिएगा ये मिला है डेविड एटनबरो को, एटन बरो को मिला है, डेविड एटन बरो को ये अवार्ड मिला है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किसे चुना गया याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में विशेष दूत के रूप में चुना गया है, ये केपी नाम करके है, हाँ याद रखिएगा अश्विनी केपी को चुना गया है। ये कहाँ के हैं तो याद रखिएगा कर्नाटक के हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और एक नाम और याद रखिएगा रुचिरा कंबोज को क्या चुना गया है, संयुक्त राष्ट्र में अस्थाई प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है रुचिरा कंबोज को। ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है। ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए आज हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयुर्वेद दिवस इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आयुर्वेद दिवस कब और क्यों मनाया गया, आइए इसकी भी चर्चा हम लोग लगे हाथ निपटा लेते हैं। तो आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया था, फर्स्ट बार कब मनाया गया था तो याद रखिएगा 2016 में फर्स्ट बार आयुर्वेद दिवस मनाया गया था। कब मनाया जाता है, वही 24 अक्टूबर को ही आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यह इस दिन धन्वंतरी का क्या था, जन्मदिन था। धन्वंतरी जयंती होती है, ये चिकित्सक के जन्मदाता माने जाते हैं धन्वंतरी, और इन्हीं के जन्म पर आयुर्वेद दिवस हम क्या करते हैं, मनाते हैं पहली बार 2016 में। और ये कौन सा संस्करण मनाए हैं तो याद रखिएगा 7वां संस्करण हम लोग इस बार मनाए हैं। कौन सा मंत्रालय मनाता है ये पूछ ले तो याद रखिएगा कौन सा मंत्रालय मनाता है, तो आयुष मंत्रालय इसे क्या करता है, मनाता है। आयुष मंत्रालय के मंत्री पूछ ले तो सर्वानंदा सोनावाल हैं, आयुष मंत्री के मंत्रालय के मंत्री हैं सर्वानंदा सोनावाल। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आइए कुछ और आगे चर्चा करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हो गए इनके बारे में, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग अवार्ड किसे दिया गया, तो मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग अवार्ड किसे मिला है तो ये मिला है याद रखिएगा हैदराबादी, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, हैदराबादी हलीम को ये जीआई टैग मिला है। ये हलीम एक प्रकार का पकवान है, हैदराबादी हलीम, इसे मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का क्या मिल चुका है, एवार्ड मिल चुका है। जीआई की बात करें तो जीआई का फुल फॉर्म होता है भैया जियोग्राफिकल इंडिकेशन, या हिंदी बोले तो भौगोलिक सांकेतिक है इसका पूरा नाम, या जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसके लिए एक एक्ट बना था, वो पूछा जाए कब आया था, अधिनियम कब आया था, 1999 में अधिनियम आया, लागू ये अधिनियम कब हुआ था 2003 में, और पहली बार किसे जीआई टैग मिला 2004 में, दार्जिलिंग के चाय को, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की चाय को ये पहली बार क्या मिला, जीआई टैग मिला था। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लागू कब हुआ, एक्ट कब बना, 1999 में लागू, 2003 में और 2004 में पहली बार मिला है। आइए कुछ लेटेस्ट जीआई टैग की चर्चा करते हैं। तो सफेद प्याज के मिला भैया, महाराष्ट्र के सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है। चिन्नौर चावल, हाँ देखा
चिन्ना और चाउर के मिलल भैया, तो चिन्ना और चावल मिला है ये याद रखिएगा मध्य प्रदेश का। और पूछ ले हाँ ककड़ी मिला है, ककड़ी का जीआई टैग मिला कहाँ का भैया, ये है नागालैंड की है। और कुछ पूछे तो बता दिया, हाँ देखा सोजत मेहंदी, सोजत मेहंदी, मेहंदी कहाँ की मिला भैया, राजवाड़ राजस्थान को मिला है। जुडीमा वाइन, जुडीमा वाइन ये चावल का एक प्रकार का शराब बनता है, ये कहाँ पे है भैया, असम में जीआई टैग मिला है जुडीमा वाइन को। और पूछ ले कुछ, हाँ देखा सरपुरिया मिठाई, सरपुरिया मिठाई को कहाँ को मिला भैया, वेस्ट बंगाल को मिला है। ये आपको क्या करनी है, याद रखनी है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भैया, आइए इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये लाइट की प्रॉब्लम है दोस्तों आज, आइए फिर भी पढ़ाते हैं। FATF की ग्रे लिस्ट में से किसे हटा दिया गया, तो हटाया गया है अभी हाल ही में याद रखिएगा नापाक इरादों वाला पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ग्रे लिस्ट में उसे शामिल किया जाता है जो आतंकवाद को क्या करते हों, बढ़ावा देते हों। तो इससे पाकिस्तान को यहाँ से हटा दिया गया था, शामिल हुआ था 2018 में। तो किसे शामिल कर दिया गया जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, शामिल हो गया है म्यांमार, याद रखिएगा म्यांमार इसमें शामिल हो गया है। और कोई देश शामिल है तो जी हाँ ईरान, और एक देश और है उत्तर कोरिया। आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण ये तीन देश शामिल हैं किसमें, FATF की ग्रे लिस्ट में, और पाकिस्तान 2018 में शामिल था, इसे अब क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। आइए आइए कुछ और बात कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए FATF की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा फाइनेंशियल, फाइनेंशियल बता देते हैं, बोल देते हैं, लिख लीजिएगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये इसका पूरा नाम है। अगर FATF की स्थापना आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, और इसमें कुल 39 देश क्या हैं, सदस्य हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम के व्यू से बनता है। भारत जो है इसका सदस्य कब बना था, 2010 में भारत इसका सदस्य बन गया था, ये बातें आपको याद रखनी है। अगर पूछ ले वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो राजा भाई हैं, टी राजा कुमार, टी राजा कुमार इसके वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बन जाएगा। और ये कहाँ के हैं, क्योंकि अब थोड़ा एग्जाम में कठिन क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है, तो ये कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा ये सिंगापुर के हैं। आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यूके के पीएम का पद चर्चा में है। अभी आपको पिछले वीडियो आपको ये पढ़ाए थे कि जो यूके के पीएम थे ये क्या हुए, इस्तीफा दी थी, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो इस्तीफा दी थी, क्योंकि उनको हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो नए पीएम कौन बने हैं ये पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा नए पीएम बने हैं ऋषि सुनक बने हैं, ये भारतीय मूल के पहले पीएम हैं, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडियन ओरिजिन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि भारतीय मूल के पहले पीएम हैं जो क्या बने हैं, आपके यूनाइटेड किंगडम के या यूके के या ब्रिटेन के बोले तो ये पीएम बन चुके हैं। अब लगेगा भारत और पाकिस्तान, भारत और यूके के बहुत अच्छा रिश्ता बनने की संभावना तेजी की ओर है। आइए हम कुछ और चुनाव की बात कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में इराक के राष्ट्रपति कौन बने हैं भैया, तो याद रखिएगा अब्दुल लतीफ रसीद बने हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है। और हाँ सऊदी के पीएम बनने क्यों भैया, सऊदी अरब के पीएम कौन बने हैं, तो याद रखिएगा सऊदी के पीएम बने हैं मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी के पीएम बन गए हैं मोहम्मद बिन सलमान बन गए हैं। और कुछ पूछे तो हाँ एक पॉइंट और दिमाग में आई है, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि हाँ एक पॉइंट, क्या नाम, इटली। हाँ देखा, इटली, इटली के प्रपियम कौन बने हैं, तो याद रखिएगा जॉर्जिया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में प्रबल संभावना इसी की है। जॉर्जिया मेमोलिन, जॉर्जिया मेलोनी को, जॉर्जिया मेलोनी जो है ये बनी है क्या, इटली की नई प्रधानमंत्री, और ये पहली ओमैन, पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इटली की। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जनता या इंदिरा गांधी जी हैं, और ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं कहाँ की, इटली की। इटली की बात कर लेते हैं, तो इटली की राजधानी क्या भैया, रोम है। रोम कौन नदी किनारे बसलबा हो, टाइबर नदी किनारे, टाइबर नदी किनारे। इटली की मुद्रा पूछ ले तो यूरो बता दीजिएगा, और पूछे कुछ की इस इनकी पार्टी का क्या नाम है, ब्रदर्स पार्टी, ब्रदर्स पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। ये लाइन आपको क्या करनी है, याद रखनी है। आइए यूके की बात कर लेते हैं, यूके से कुछ पॉइंट बात कर लेते हैं। तो यूके में क्या हुआ है, अभी हाल ही में पता होगा, यूके के उच्चायुक्त भारतीय ही बने हैं। कौन बने हैं भैया, तो याद रखिएगा विक्रम दुर्रे स्वामी, विक्रम दुर्रे स्वामी बने हैं यूके के उच्च आयुक्त। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हुआ। आइए और आगे बढ़ते हैं। यूके में अभी हाल ही में यूके का आयुर्वेद पुरस्कार, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार, हाँ आयुर्वेद रत्न पुरस्कार, यूके का आयुर्वेद रत्न पुरस्कार किसे मिला है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे तो बताइएगा। तनुषा नेसारी को, तनुषा नेसारी को मिला है यूके आयुर्वेद पुरस्कार, तनुषा नेसारी को मिला है। इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यूके में 2022 का कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हुआ है, तो याद रखना है ये हुआ था बर्मिंघम में, बर्मिंघम में हुआ था क्या, कॉमनवेल्थ गेम 2022। इसमें आपको कमेंट करके बताना है भारत ने टोटल कितने पदक कॉमनवेल्थ गेम में जीते हैं। ये रहा आपके करंट अफेयर। लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। कल और आपको कुछ क्वेश्चन इसमें बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अभी लाइटिंग थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो को ही रोकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।